हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कल का मुकाबला, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा। तो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ मैं कल का एशिया कप के बारे में, जो कि खेला जाएगा इंडिया वर्सेस हांगकांग के बीच में मैच खेल जाएगा। तो हांगकांग एक नई टीम है, रिसेंटली वो क्वालिफाई कर चुकी है पिछले 2-3 दिन में। तो इसमें पहले पहले मैच खेल जा रही है, फर्स्ट मैच मैच उनका है जिसमें वो एशिया कप में फर्स्ट मैच खेला जा रही। तो इंडिया के खिलाफ खेले जाएंगे, तो मेरे हिसाब से 100% इंडिया जीतेगी, कोई पक्का बोल रहा हूँ मैं। तो वैसे अगले के आपके बारे में बताऊँगा। यहाँ पे देख लो, फ्री एंट्री से ज्वाइन करके आप आसानी से विनिंग कर सकते हो, अप टू 20 टीम लगा सकते हो और 4 पे आप जीत सकते हो, और उसी अमाउंट विनिंग में आपको यहाँ पे 100% बोनस लिख देगा, और उसमें आपको 100% बोनस लिख ज्वाइन करके आप आसानी से विन कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत बड़े ऐप है, बहुत ही बड़ा अमाउंट दिखा रहा है, 789 रुपीज़ में 9 टीम में लगा सकती हो, सॉरी 9 टीम में आप 4 4 रैंक आना होगा। और यहाँ पे एक बड़ा ग्रैंड लीग है जो कि 59 रुपीज़ का आपको फर्स्ट आएगा तो 10,000 रुपये मिलेगा। तो बहुत बड़े ऐप है, जरूर एक बार ट्राई करना, काफ़ी बड़े ऐप है और मैं फ्री एंट्री भी मिलेगा। तो बस इस वीडियो में पहले देखेंगे प्ले स्टार देखेंगे, उसके बाद पिछले मैच का परफॉर्मेंस देखेंगे, और बाद में आपको मैं तो बस प्ले स्टार देखने के बाद आपको मैं आपको यहाँ लाइव टीम बना के दिखा दूंगा, तो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा किस प्लेयर को लेना है और किस प्लेयर को नहीं ले जाएंगे, तो उससे आप पता चलेगा। तो चलो भाई, पहले देख लेते हैं दोनों टीम का प्ले स्टार्ट कैसा है वो देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे देख लो, मैच कल खेला जाएगा यानी 31 अगस्त, तो 7:30 बजे मैच खेला जाएगा। तो विनिंग प्रेडिक्शन में यहाँ पे देख लो, 57% चांस है इंडिया की और 43% चांस है हांगकॉन्ग की। तो पहले देख लेते हैं इंडिया के प्लेयर स्टैट्स। तो भाई इंडिया के प्लेयर स्टैट पहले आते हैं, रोहित शर्मा कैप्टन है, 133 मैच उन्होंने 3,499 रन बना के आ रहे, 32 इनका बैटिंग एवरेज है, प्लस इन्होंने 1 विकेट लेके आ रहे। प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच 4 ओवर्स करके आता है बंदा, पिछले मैच से थोड़ा फ्लॉप हो गए थे पर इस मैच में अच्छा खासा रन बना के दे सकता है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं विराट कोहली, 100 मैच से 3,343 रन बना के आ रहे। तो इनका बैटिंग एवरेज है 49 का बैटिंग एवरेज है, तो ये प्लेयर बहुत बड़ा है, ये भी अच्छा खासा रन बना के दे सकता है। नेक्स्ट आते हैं भुवनेश्वर कुमार, पिछले मैच ही पलट दिया था, 4 विकेट लेके आया था बंदा। इनका रिकॉर्ड हो गया 73 मैच उन्होंने 77 विकेट लेके आ रहे, तो ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है। तो नेक्स्ट आते हैं हार्दिक पांड्या, तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके आया पिछले मैच में, और मैच विनिंग पारी भी खेलते रहे पिछले मैच में, लास्ट मैच बॉल लास्ट छक्का मार के मैच जिता दिया था इंडिया को। इनका रिकॉर्ड देख लो, 68 मैच 867 रन बना के आ रहे, 24 का इनका बैटिंग एवरेज, प्लस इन्होंने 53 विकेट भी लेकर आए, तो बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़ा कर लेता है बंदा, जरूर इनको पिक करना। नेक्स्ट आते हैं रविंद्र जडेजा, ये भी ऑलराउंडर है पिछले मैच, इनका भी कॉन्ट्रीब्यूट बहुत बड़ा था इंडिया में। इनका रिकॉर्ड देख लो, 63 मैच 457 रन बना के आ रहे, 24 का इनका बैटिंग एवरेज, प्लस इन्होंने 50 विकेट भी लेकर आए, तो ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है। नेक्स्ट आते हैं युजवेंद्र चहल, तो चहल एक बहुत बड़ा प्लेयर है। चहल ने पिछले मैच से विकेट नहीं लेके आया था, पर इस मैच विकेट पक्का लेके जाता है, मुझे पता है। इनका रिकॉर्ड देख लो, 63 मैच में उन्होंने 79 विकेट लेके आ रहे, तो ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है। नेक्स्ट आता है केएल राहुल, पिछले मैच में आई थिंक नहीं बैटिंग बैटिंग नहीं आया था इनका, सॉरी बैटिंग आया था पर 0 रन पर आउट हुई थी। 57 मैच इन्होंने 1,831 रन बना के आ रहे, 39 का इनका बैटिंग एवरेज, तो ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है, खेलेगा तो इनको जरूर पिक करना और ग्रैंड में कैप्टन भी जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट आते हैं रविचंद्र अश्विन, 54 मैच इन्होंने 64 विकेट लेकर आए, हालांकि पिछले मैच खेला नहीं था, ऋषभ पंत पिछले मैच खेला नहीं था। इनका रिकॉर्ड देख लो, 54 मैच 883 रन बना के आ रहे, 23 का बैटिंग एवरेज। दिनेश कार्तिक का 48 मैच 592 रन का एवरेज है, 592 रन बना के आ रहे, 28 इनका एवरेज है, ये भी पिछले मैच खेला था ऋषभ पंत की जगह। श्रेयस अय्यर पिछले मैच नहीं खेला था, इनका रिकॉर्ड देख लो, 46 मैच इन्होंने 1,029 रन बना के आ रहे, 33 इनका बैटिंग एवरेज, तो ये प्लेयर बहुत बड़ा है, टिक टॉक परफॉर्मेंस करके आता है। नेक्स्ट आते हैं अक्षर पटेल, 25 मैच 147 रन बना के आ रहे, 18 इनका बैटिंग एवरेज है, प्लस इन्होंने 21 विकेट लेके आ रहे। प्लेयर बहुत बड़ा है, खेलेगा तो आपको जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आप देखे होंगे ओडीआई में बहुत बड़ा पारी खेल कर आए थे, बहुत ही बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस करके आए थे बंदा, तो जरूर इनको पिक करना, खेलेंगे तो उनको। तो गाइस नेक्स्ट आते हैं सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में खेला था, आई थिंक उतना ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे क्योंकि थोड़ा नीचे बैटिंग करने आए थे। इनका रिकॉर्ड देख लो, 24 मैच 690 रन बना के आ रहे, 36 का बैटिंग एवरेज, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, अच्छा खासा रन बना के जा सकता है। दीपक चहल पिछले मैच खेला था, 20 मैच 26 विकेट लेके आ रहे। आविष्कार पिछले मैच खेला था, आई थिंक 1 विकेट लेके आए थे।
इनका रिकॉर्ड देख लो, 14 मैच से 12 विकेट है। दीपक कोड़ा 9 मैच से 274 रन, 54 में इनका बैटिंग एवरेज है, तो ये प्लेयर बहुत बड़ा है। रवि बिश्नोई ने 9 मैच से 15 विकेट, और शिव सिंह पिछले मैच गया था, आई थिंक 2 या 3 विकेट लेके आए थे। इनका रिकॉर्ड देख लो, 7 मैच से 11 विकेट लेके आए थे, तो ये प्लेयर बहुत बड़ा है। तो वाइज आप अभी तक आप देख लिए इंडिया के प्लेयर स्टैट्स, अब देख लेते हैं जरूरी होगा हांगकॉन्ग के प्लेयर से देखना जरूरी होगा, क्योंकि इससे पता चलेगा आपको किस प्लेयर को लेना है किस प्लेयर को नहीं लेना है, मैं आपके आपको बता दूंगा। तो काफ़ी कुछ न्यू प्लेयर भी ऐड हो चुके हैं इसमें, तो देखेंगे उनका खेलेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं, आई थिंक नहीं खेलेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं, तो इसलिए उनको नहीं खेला जाएगा। फिकर मत कीजिए गाइस, क्योंकि आपको सिर्फ 4 ही प्लेयर लेना है हांगकॉन्ग में, तो इसलिए हमको क्या ज़रूर हमको क्या नहीं पड़ता उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले देख लेते हांगकॉन्ग के प्लेयर स्टार्ट, उसमें पहले आते हैं निजामत खान, 51 मैच से 978 रन बना के रहे, 19 इनका बैटिंग एवरेज है, प्लस 4 विकेट लेकर आए, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर जाता है, कभी कभी बॉलिंग से भी विकेट लेके जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं अजीज खान, 47 मैच से 414 रन बना के रहे, 12 का इनका एवरेज है, प्लस 58 विकेट लेकर आए, तो हर मैच से विकेट लेके आता बंदा, और बैटिंग से भी अच्छा खासा रन बना के जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं किंचन शाह, 43 मैच से 633 रन बना के रहे, 20 इनका बैटिंग एवरेज है, प्लस इन्होंने 11 विकेट लेकर आए, तो बहुत बैटिंग बहुत बड़ा कर लेता है बंदा, और कभी कॉल विकेट भी लेके जाता है। बाबर है 32 मैच से 758 रन बना के रहे, 29 इनका बैटिंग एवरेज है, तो ये प्लेयर बहुत बड़ा है, टिक टॉक परफॉर्मेंस करके आता है हर मैच में। नेक्स्ट ईशान खान, ये प्लेयर बहुत बड़ा है, अब मैं इनका बॉलिंग देखा हूँ, बहुत ही बड़ा बॉलिंग करके आता है, हर मैच विकेट लेके जाता है, प्लस बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेता है, आप इनको एक ऑलराउंडर बोल सकते हो ईशान खान को। इनका रिकॉर्ड देख लो, 31 मैच से 197 रन बना के आ रहे, 17 इनका बैटिंग एवरेज है, प्लस इन्होंने 39 विकेट भी लेके आ रहे, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच विकेट लेके आता है, प्लस कभी कभार रन बना के आता है। नेक्स्ट आते हैं स्कॉट मैकनाइ, विकेट कीपर बैट्समैन है, 27 मैच से 244 रन बना के आ रहे, 17 इनका बैटिंग एवरेज है, तो हम इनको नहीं लेंगे क्योंकि हम हमारे और डीके हैं, उनको लेंगे हम, या ग्रैंडली में आप इनको पिक कर सकते हो क्योंकि इनका बैटिंग भी आ सकता है, अगर ये बॉलिंग कर दिया और बैटिंग भी कर दिया तो उनको बैटिंग आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं अरुण हर्षद, 22 मैच से 14 विकेट लेकर आ रहे, 317 रन में मना कर रहे, तो उनका बैटिंग एवरेज है, 24 का बैटिंग एवरेज है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आते हैं, 20-25 रन आराम आसानी से बना के आ सकता है, प्लस बॉलिंग भी अच्छा खासा करके आ सकता है। तो नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद गाजनूर, गाजनफर स्पिन बॉलर है, 13 मैच से 13 विकेट लेकर आ रहे, तो हर मैच 1 विकेट लेकर आता है बंदा। नेक्स्ट आते हैं अमिताभ हुसैन, 10 मैच से 16 विकेट लेकर आए बंदा, ये भी जैसन अली 8 मैच से 105 रन, 21 इनका एवरेज है, और ऐसे मोटा से प्लेयर बहुत बड़ा है, हालांकि जो क्वालिफायर मैच होते हैं उनको उसमें ये ओपनिंग करने आए थे, प्लस 4 ओवर बॉलिंग भी की थी, तो ट्राई करना अगर ओपनिंग करने के तो जरूर उनको पिक करना। यासिम मर्टजा 8 मैच से 151 रन, 21 का बैटिंग एवरेज, प्लस इन्होंने 7 विकेट लेकर आए, तो ये प्लेयर बहुत बड़ा है। नेक्स्ट आते हैं आयुष शुक्ला, 5 मैच से 5 विकेट, आमिर खान 3 मैच से 15 रन, और नीचे प्लेयर अभी तक रिकॉर्ड नहीं दिए तो उनको नज़र नहीं रखते, उनको इग्नोर कर सकते हो। तो आज अभी के लिए तक उस दोनों का प्लेयर स्टार्ट आप देख लेते, दोनों को पिछले मैच का परफॉर्मेंस करके कैसे करके आ रहे वो देख लेते। तो आज पहले देख लेते इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में, क्योंकि पिछले मैच इंडिया ने बहुत ही बढ़िया मैच चीज करा रही है, उसमें हार्दिक पांड्या कैप्टन, सॉरी हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच हुए थे। तो गाइस पहले पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए 147 रन बनाए थे 10 विकेट खोकर, उसमें बॉलिंग सीजन में इंडिया के बॉलर भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 4 विकेट लेके आए थे, हरदीप सिंह 2 विकेट लेके आया था 3.5 ओवर में, हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लेके आया था, आविश खान 1 विकेट, और चरण ने रविंद्र चरण ने दोनों ने विकेट नहीं लिया था। तो ये होता है इंडिया के बॉलिंग में, और बैटिंग में देख लो पहले रोहित शर्मा राहुल ओपनिंग करने आए थे, रोहित शर्मा सिर्फ 12 रन बना के आउट हो गए थे, राहुल पहले बॉल पर आउट हो गए थे, कोहली 35 रन की पारी खेल गए थे, रविंद्र जडेजा 35 रन बनाए थे, सूर्य कुमार यादव 18 रन, और हार्दिक पांड्या 33 रन की नॉट आउट पारी खेल कराए थे, और दिनेश कार्तिक ने 1 रन बना के आउट नहीं होते। तो गैस ये था कुछ इंडिया का रिकॉर्ड, अब देख लेते हैं हांगकॉन्ग के रिकॉर्ड कैसे वो देख लेते हैं। तो गैस हांगकॉन्ग का लास्ट मैच हुआ था, उसमें यूएई वर्सेज हांगकॉन्ग के बीच ये मैच खेला गया था, वो आई थिंक फाइनल था क्वालिफायर में, और उसमें हांगकॉन्ग ने 8 विकेट से मैच जीत गई थी, और उसमें पहले यूएई बैटिंग करते हुए 147 रन बनाए थे 10 विकेट खोकर, उसमें बॉलिंग सीजन में ईशान खान 4 विकेट ले गया था, अरुण अर्षद 2 ओवर में गया था विकेट नहीं लिया था, आयुष शुक्ला 3 विकेट ले गया था, अजीज खान 2 विकेट, और यासिम मर्टजा 1 विकेट ले गया था, और मोहम्मद गाजफर
विकेट नहीं जाता। और वो बैटिंग सीजन में निजामत खान 30 रन बनाया था, यासिम मर्तजा 58 रन की पारी लेकर आए थे और बाबर आजमल सिर्फ 38 रन बनाए, सॉरी 38 रन बनाए थे और मैंने जिता दिया था। तो यह होता कुछ यूएई की सॉरी हांगकॉन्ग के प्लेयर के स्टार्स यानी पिछले मैच का परफॉर्मेंस, तो कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे तो ये देख लिया हमने। चलो गाइस थोड़ा और थोड़ा डीपली रिकॉर्ड देख लेते प्लेयर के, थोड़ा इंस्टाग्राम में कैसा है रिकॉर्ड वो देख लेते, क्योंकि आपको रिकॉर्ड देखने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे पता है। और तो गाइस पहले देख लेते थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते दोनों कैसा है। फोर्थ मैच है ग्रुप ए का एशिया कप, वेडनेसडे 31 अगस्त यानी कल 7:30 को मैच खेलेगा और ये मैच खेलेगा दुबई टेरेंस स्टेडियम, यानी कि पिछले मैच जो हुआ था वो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होता तो उसी स्टेडियम में होगा। और वैसे मैं और बताऊँगा यहाँ पे टॉस जीतने की टीम पहले बॉलिंग करेगी, अगर आपको पहले बॉलिंग कर रही है तो क्या होगा वो भी बता दूंगा लास्ट में, यानी कि देखते रहना वीडियो को। तो वैसे पहले देख लेते रोहित शर्मा इंडिया के कैप्टन है, उनका रिकॉर्ड हुआ बैटिंग में, उनका रिकॉर्ड हुआ 133 मैच में उन्होंने 3499 यानी 3500 रन बना के आ रहे। तो उनका बैटिंग एवरेज है 31 का एवरेज है, हाईएस्ट स्कोर इनका 118 है, 39 का स्ट्राइक रेट है, प्लेयर बहुत बड़ा है। नेक्स्ट सेकंड विकेट कीपर दिनेश कार्तिक का 48 मैच में उन्होंने 592 रन बना के आ रहे, हाईएस्ट इनका 55 है, 28 रन का एवरेज है। आईपीएल में देख लेते हैं उनका रिकॉर्ड कैसा है, 229 मैच उन्होंने आईपीएल में 4376 रन बना के आ रहे, हाईएस्ट स्कोर का 96 का हाईएस्ट था और एवरेज इनका 26। तो आईपीएल में बहुत बड़े पारी खेल रहे थे पिछले मैच में। तो केएल राहुल का देखते हैं, केएल राहुल का 57 मैच है, 80-20 में 57 मैच है, 1831 रन बना के आ रहे, हाईएस्ट इनका 110 है। विराट कोहली का देख लेते हैं, तो विराट कोहली का टी ट्वेंटी मैच है 3343 रन बना के आ रहे, हाईएस्ट स्कोर इनका 94 है और एवरेज इनका 49 है। हार्दिक पांड्या का देख लेते हैं, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इनका बैटिंग रिकॉर्ड देख लो, पहले 68 मैच उन्होंने 5867 रन बना के आ रहे, हाईएस्ट स्कोर इनका 51 है और एवरेज इनका 24 का एवरेज है। और बॉलिंग में 68 मैच उन्होंने 53 विकेट लेकर आए, तो हाईएस्ट इनका 4/35 है विकेट लेकर आए। और अर्शदीप का बॉलिंग सीजन देख लेते टी ट्वेंटी में 7 मैच उन्होंने 11 विकेट लेकर आए और आईपीएल में 37 मैच उन्होंने 40 विकेट लेकर आए, तो इनका बेस्ट था 5/32 बेस्ट स्कोर था इनका। और छल का देख लेते बॉलिंग में कैसा है, छल का रिकॉर्ड देख लो टी ट्वेंटी में 63 मैच उन्होंने 79 विकेट लेकर आए, बेस्ट इनका 6/25 था और आईपीएल में 131 मैच उन्होंने 166 विकेट लेकर आए, तो बंदा बहुत बड़ा है और मैच विकेट लेकर आता है पिछले मैच छोड़कर, इस मैच अच्छा खासा विकेट लेके आ सकता है। तो हांगकॉन्ग के कुछ प्लेयर के रिकॉर्ड देख लेते हैं, उसमें निजामत खान कैप्टन है उनका रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो बैटिंग में 51 मैच खेले टी ट्वेंटी में 978 रन बना के, हाईएस्ट इनका 81 का हाईएस्ट है, 19 का बैटिंग एवरेज है, 122 स्ट्राइक रेट है। और बॉलिंग में देख लेते बॉलिंग में 51 मैच में उन्होंने आई थिंक सिर्फ 4 विकेट लेकर है बंदा, तो बॉलिंग में उतना ज़्यादा नहीं उनका। तो नेक्स्ट देख लेते हैं स्कॉट मैकनन विकेट कीपर है उनका देख लेते, बैटिंग में 27 मैच उन्होंने 244 रन बना के रहे, हाईएस्ट इनका 44 रन का हाईएस्ट स्कोर। बाबर हाथ का देख लेते एक बैट्समैन है, 32 मैच उन्होंने 758 रन बना के रहे, हाईएस्ट इनका 122 है टी ट्वेंटी में स्कोर। यासिम मर्तजा का देख लेते 8 मैच उन्होंने सिर्फ 8 मैच खेले उसमें 151 रन बना के रहे, हाईएस्ट इनका 58 का हाईएस्ट है। किंसल शाह एक प्लेयर बहुत बड़ा है इनका रिकॉर्ड में 43 मैच उन्होंने 633 रन बना के आ रहे, 79 इनका हाईएस्ट स्कोर है। और बॉलिंग में रिकॉर्ड कैसे है वो देख लेते, तो बॉलिंग में 43 मैच उन्होंने 11 विकेट लेकर आ रहे, बेस्ट उनका सिर्फ 2 विकेट है। और यासिम खान इनका रिकॉर्ड देखना जरूरी होगा आपको, बॉलिंग में देख लो उनका रिकॉर्ड 31 मैच है 39 विकेट लेकर, बेस्ट इनका 4/24 है। और बैटिंग में 31 मैच है 197 रन बना के आए, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है बैटिंग में भी। मोहम्मद गाजमपुर एक बहुत बड़ा प्लेयर है, ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, 13 मैच में 13 विकेट लेकर आ रहे, बेस्ट इनका 3/32 है बेस्ट स्कोर। चलो भाई आप देख लें आपको दोनों टीम का प्लेयर स्टैट देखे होंगे, तो चलो भाई जब टीम चालू करते हैं तो काफ़ी वक्त तक आप वेट कर रहे हैं टीम कैसे मेरी कैसे बना रही टीम, तो टीम बनाना चालू करते हैं। तो टीम बनाने से पहले आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा अच्छा लगे मुझे भी। तो गाइस आपको मैं एक टास्क देने वाला हूँ यहाँ पे, तो टीम देखने से पहले एक टास्क बता दूंगा, अगर आप इस वीडियो को सिर्फ 100 व्यूज़
मैं लाइक्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, 100 व्यूज के व्यूज आए तो मैं आपको मैं नेक्स्ट मैच जरूर खेला जाएगा पाकिस्तान और हांगकॉन्ग में, एक गिवे कराऊंगा लीग एग्जाम में। तो अगर इस वीडियो को क्या तो 100 व्यूज आए तो आपको मैं पक्का एक गिवे कराऊंगा। तो जरूर जरूर शेयर करिए, शेयर करके आप सिर्फ मुझे व्यूज चाहिए, लाइक करना नहीं चाहिए मुझे, देखो सिर्फ व्यू लेकर आओ तो मुझे भी अच्छा लगा, आपको भी एक गिवे मिलेगा। तो अगर टीम के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर इस टीम में मैं पहले बैट्समैन लूँगा रोहित शर्मा मस्ट पिक करूँगा क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन है, और लोकेश राहुल दोनों मस्ट पिक करेंगे। केएल राहुल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पिछले मैच में फ्लॉप हुआ था और एक बहुत बड़ा बैट्समैन है इसलिए ले रहा हूँ, आप उनको मत छोड़िए। और किंजल शाह, तो वह ले रहेगा मैं तीन बैट्समैन लोकेश राहुल किंजल शाह और रोहित शर्मा, तीनों बहुत बड़ा बैट्समैन है, तीनों बहुत बड़ा पारी करके आए थे पिछले साल, रोहित शर्मा तीनों अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करके आ रहे, मैं दोनों को अच्छे परफॉर्मेंस करके आ रहे, कोई प्लेयर है उनको दोनों को छोड़ना हूँ, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, इसलिए क्योंकि इनके बैटिंग आई थे क्योंकि टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गई थी इसलिए उनका बैटिंग आई थे, पर इस मैच में अच्छा खासा रन बना कह सकता है। मुझे लग रहा है क्या अगर पहले इंडिया बॉलिंग कर रही तो ये रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों मिलकर आसानी से रन चेस कर सकती हूँ मेरे हिसाब से। तो अभी तक के लिए मेरे तीन बैट्समैन रहेंगे केएल राहुल रोहित शर्मा और किंजल शाह। तो गाइस विकेट पोजीशन में मैं लेना चाहता हूँ स्कॉट मैकेनी क्योंकि स्कॉट मैकेनी का बैटिंग आ सकता है मेरे खिलाफ से, दिनेश कार्तिक का बैटिंग नहीं आ सकता है मेरे हिसाब से क्योंकि आउट ही नहीं हो सकते इंडिया के बैट्समैन, तो कैसा आएगा बैटिंग, इसलिए मैं उनको स्कॉट मैकेनी के लूँगा। अगर स्कॉट मैकेनी नहीं खेलेगा तो मैं उनकी जगह जैसे नली को ले लूँगा, अभी तक के लिए स्कॉट मैकेनी के साथ जाना हूँ। तो वह ऑल राउंडर में मस्ट पिक करूँगा रविंद्र जडेजा और यासिम मर्टजा एक बहुत बड़ा बॉलर है इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ, प्लस इनका बैटिंग भी बहुत बड़ा है तो इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ। आपकी मर्जी है, आप उनको छोड़ना चाहते हो तो आप उनको छोड़ सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अभी तक के लिए दो ऑल राउंडर के साथ जा रहा हूँ, हार्दिक पांड्या और यासिम मर्टजा, देखूंगा रविंद्र जडेजा को कोई और प्लेयर बचेगा तो रविंद्र जडेजा को लेना ट्राई करूँगा। तो बॉलिंग में मैं मस्ट पिक करूँगा भुवनेश्वर कुमार हरसिमरत सिंह और युजवेंद्र चहल, तो युजवेंद्र चहल एक बहुत बड़ा बॉलर है इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ। और गाइस हांगकॉन्ग के बॉलिंग सीजन में मैं लेना चाहता हूँ, अगर आयुष शुक्ला खेलेगा तो मैं उनको ले लूँगा, अभी तक के लिए मैं यासन खान का लेना चाहता हूँ, यासन खान बहुत बड़ा प्लेयर है, अब देखेंगे रिकॉर्डिंग का पिछले मैच है हांगकॉन्ग में क्वालिफायर मैच होता है उसमें मैन ऑफ द मैच हुए थे। तो अभी तक के लिए मैं चार बॉलर संग जा रहा हूँ, भुवनेश्वर कुमार हरसिम सिंह और युजवेंद्र चहल के साथ जा रहा हूँ, और लास्ट में यासन खान और मैं रविंद्र जडेजा के साथ जाऊँगा क्योंकि ऑलराउंडर है बॉलिंग भी करता है तो भी काफ़ी विकेट लेके जा सकता है, पर आपको सेफ जाना तो आउट थोड़ा सेफ जाना तो उनकी जगह आप विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव के साथ जा सकते हैं, पर अभी के लिए मैं रविंद्र जडेजा के साथ जाऊँगा। तो वह एक स्मॉल टीम रहेगी मेरी, चार बॉलर के लिए मैं तीन ऑलराउंडर लिया हुए और तीन बैट्समैन एक विकेट कीपर। तो बस कैप्टन वाइस कैप्टन में बात करना चाहता हूँ तो कैप्टन मस्ट पिक रहेगा स्मॉलिंग के लिए हार्दिक पांड्या क्योंकि पिछले मैच का रिकॉर्ड देखते हुए सब लोग इनको कैप्टन बनाएंगे, हम भी कैप्टन बनाना होगा क्योंकि सब लोग बनाए थे तो क्यों इसलिए स्मॉलिंग में। तो वाइस कैप्टन आप रिस्क ले सकते हो, वहाँ पर भुवनेश्वर कुमार सेफ पिक रहेगा, हरदीप सिंह एक रिस्की पिक होगा रिस्की वाइस कैप्टन, रोहित शर्मा भी एक रिस्की होगा क्योंकि पिछले मैच में खेला नहीं था, तो मेरा एक रिस्की कैप्टन रिस्की वाइस कैप्टन होगा केएल राहुल। केएल राहुल एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है तो इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा बैट्समैन है, आप चेक कर सकते हो आपकी मर्जी के खिलाफ। तो अभी तक कल मैं एक स्मॉल टीम में गए केएल राहुल वाइस कैप्टन, हार्दिक पांड्या कैप्टन। तो आज मैं एक बात बोलने चाह रहा हूँ, बोलने को मैं आपको याद रखने को बोलता हूँ क्या, अगर इंडिया के पहले बैटिंग कर दे तो कैसा होगा। तो गाइस आप टेंशन मत लो क्योंकि इंडिया एक टॉप टीम है, बॉलिंग पिच रहेगी तो वह बैटिंग पिच हो जाएगा क्योंकि वह सारे तगड़े प्लेयर है इंडिया में, तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर इंडिया के बैटिंग आए तो आप टॉप ऑर्डर को छोड़ने की थोड़ा ट्राई कर सकते हो, टॉप ऑर्डर में आप रोहित शर्मा को छोड़ सकते हो, केएल राहुल को मत छोड़ा क्योंकि प्लेयर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे फ्री एंट्री ज्वाइन कर लो, बहुत बड़ा प्री एंट्री ज्वाइन कर लो, बहुत बड़ा यहाँ पे और 100% बहुत सी लीग ज्वाइन कर लो। सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक यू सो मच गाइस।